नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिपेश डुगोर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री शिशु कर्मा योजना के अंतर्गत अनुबंध तो आ चुके हैं, ठीक है। आपने एक से अधिक सेक्टरों में अप्लाई किया है तो एक से अधिक सेक्टरों में आपको अनुबंध का ऑप्शन भी आया, तो एक से अधिक सेक्टरों में अप्लाई किस तरीके से करना है, क्या कुछ प्रोसेस रहेगी, तो ये सभी जानकारी और एक सेक्टर से अधिक कितने सेक्टरों में हम अप्लाई कर सकते हैं, अधिकतम कितने सेक्टरों में अप्लाई कर सकते हैं, ये जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करें और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो भी भाई बहन हैं वो सभी एक से अधिक सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। मैं बता दूं, अगर आप एक ही सेक्टर में अप्लाई करते हैं तो आपका चांस नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपना सीखो कमाई में जो आईडी पासवर्ड है उसको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं लॉगिन। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं रिक्तियां खोजे वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल लगभग 40 प्लस यहाँ पर रिक्तियां और हम सभी में अप्लाई करके आपको बताने वाले हैं कि कितने सेक्टर में हम मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए वरना क्या होगा। यहाँ पर हम जैसे ही बीओ ऑल पर क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कैंडिडेट अभी तक कितने कैंडिडेटों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 134 कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई कर दिया और इसमें कर्मचारी की संख्या कितनी है, केवल 3 कर्मचारियों की संख्या है। दोस्तों केवल 3 इसमें कर्मचारियों की संख्या है। तो यहाँ पर आप समझ ही चुके होंगे कि मैंने आपसे क्यों बोला है कि जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कीजिए और आप सभी में अप्लाई इसलिए करेंगे, ठीक है, आपके पास जितनी भी आया है अप्लाई करने का ऑप्शन, जितने भी सेक्टर में आया है सभी में अप्लाई करना है जितने में हो जाए। चलिए हम यहाँ पर जल्दी से अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन आ चुका है इसको एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो फिर आप बाद में इसमें कोई भी एडिट और अपडेट नहीं कर सकते। अगर आपको फॉर्म में कोई एडिट अपडेट करना है तो आप कर लीजिए वरना यस पर क्लिक कर दीजिए। यस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर हम फिर दूसरा अप्लाई करते हैं तो हम गिनती करेंगे कि आज कितने अप्लाई हमने किए हैं। 2 अप्लाई हो चुके हैं और ये हमारा तीसरा अप्लाई हो चुका है दोस्तों, और ये चौथा भी अप्लाई हो चुका है और ये पांचवा अप्लाई हम कर रहे हैं, पांचवा अप्लाई भी हो चुका है, छठवा अप्लाई भी हो चुका है, 12 हमने अप्लाई कर चुके हैं। हम ये 13वें नंबर पर अप्लाई करते हैं, 13 भी हमारा अप्लाई हो चुका है, ये 14 नंबर का अप्लाई करते हैं, ये भी अप्लाई हो चुका है। तो अभी तक यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है कि कितने हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा 15 अप्लाई हो चुका है और यहाँ पर हम 16वां अप्लाई करेंगे तो ये भी हो चुका है। दोस्तों आप सभी में अपने पास जितने भी अप्लाई का ऑप्शन आ रहे हैं आपको सभी में अप्लाई कर देना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक अप्लाई कर दिया तो आपको कन्फर्म ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ऐसा नहीं। अगर आपका नंबर लगा इसमें कंपनी के ऊपर है जब तक आपका अनुबंध एक्सेप्ट नहीं करती है तब तक आपको ज्वाइनिंग कन्फर्म नहीं, इसलिए सभी में अप्लाई कर दीजिए। अगर 2 से 3 में आपको कन्फर्मेशन मिल जाता है तो आप जिसमें मर्जी हो आप उसमें कर सकते हैं, पर अपना जितना भी हो सके आप सभी में अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों अभी तक हमारे 34 अप्लाई हो चुके हैं, हम ये 35वां अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा मुझे लगता है कि कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे 36 अप्लाई हो गए, हमने 27वां भी अप्लाई कर दिया है, 37वां छोड़ो, ये 38वां हमारा अप्लाई हो चुका है दोस्तों और ये 29वां। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास जितने भी कोर्स हैं, अगर आपके पास कम कोर्स आ रहे हैं तो आप और सेक्टर ऐड कीजिए, आप मिनिमम 30 सेक्टर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, 30 सेक्टर आप ऐड करिए उसके बाद ही अप्लाई करना स्टार्ट करिए। ये हमारे लगभग 40 प्लस ही हमने अप्लाई कर दिए हैं दोस्तों, तो आप भी जरूर करिएगा। ये देखिए सब में अप्लाई दिखा रहा है हमारा, हम यहाँ पर और बढ़ा देते हैं तो ठीक है, ये देखिए सब में अप्लाई बता रहा है। चलिए और आगे बढ़ा के देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई है कि नहीं, ठीक है, ये सभी में अप्लाई बता रहा है, चलिए और आगे बढ़ के देख लेते हैं। तो ये सभी में अप्लाई बता रहा है, तो चलिए अब यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर पर फिर से आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अप्लाई नहीं है तो हम जल्दी से इसमें अप्लाई कर देते हैं। लगभग 45 प्लस यहाँ पर हमने अप्लाई किए हैं दोस्तों, तो आप भी ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। इससे अपडेट अगर कोई रिलेशन आता है, इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको जरूर सूचना दी जाएंगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हम आपको आवेदन की स्थिति में जाकर भी बताएंगे दोस्तों कि हमने कितने अप्लाई किया है, ठीक है। आपको ऐसा विश्वास नहीं होगा, क्योंकि विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा कि इतने अप्लाई कैसे हो सकते हैं, पर ठीक है, आपके पास जितने अनुबंध है आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास जितने भी अनुबंध आ रहे हैं आप सभी में अप्लाई करिए। तो चलिए यहाँ पर हम आपको फटाफट बता देते हैं कि हमारे कितने अप्लाई हो चुके हैं। तो हमने फर्स्ट वाला अप्लाई किया है, आवेदन की स्थिति पर टेप की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ देर आपको वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे टोटल कितने हो चुके हैं, सबसे लास्ट में हम जाएंगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों 53 प्लस हमने सेक्टरों में अप्लाई कर दिया है, आज की तारीख यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी, एक ही तारीख में, ठीक है, एक ही तारीख में एक ही समय में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा।
और यहाँ पर आपको आवेदन की स्थिति भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपको पेंडिंग बता रहा है कार्यवाही। इसमें जैसे ही कुछ ऑप्शन आता है आपको जरूर अपडेट दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने जैसे व्यू ऑल पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया है, यहाँ पर पूरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लाइक के साथ जल्दी मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, धन्यवाद।